दोस्तों आज मैं आपके लिए जो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड लेके आया हूं उसने पिछले 3 साल में 160% से ज्यादा का रिटर्न दिया। जी हां दोस्तों 160%। और अगर आप एनुअल रिटर्न की बात करें यानी हर साल के रिटर्न की, तो उसने पिछले 3 साल में 37% से ज्यादा का रिटर्न दिया है हर साल। तो इससे पहले कि आप अपना टाइम इस वीडियो को देखने में लगाएं, सबसे पहले ये चेक और वेरीफाई कर लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में उसने 160% का रिटर्न दिया है कि नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम सीधा चलते हैं moneycontrol.com पे, जो कि बहुत फेमस साइट है और इसके बारे में आपने भी सुना होगा। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आकर आपको ये SBI के म्यूचुअल फंड का नाम लिखना है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। उसके बाद आपको कैलकुलेट रिटर्न्स पे क्लिक करना है। इसके बाद मान लीजिए अगर मैंने 3 साल पहले 2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, यानी 3 नवंबर 2020 को मैंने सिर्फ 2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता इस म्यूचुअल फंड में, तो आज 3 साल बाद यानी 3 नवंबर 2023 को आपका 2,05,20,400 का अमाउंट बन गया होता, यानी आपके पैसे 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गए होते सिर्फ 3 साल में। यानी 160% का रिटर्न मिलता 3 साल में, जो हो गया हर साल 37.5%। यानी इससे यह बात तो वेरीफाई हो गई कि इस फंड में दम है, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। क्या यह फंड आगे भी ऐसे ही रिटर्न देगा? इस फंड में रिस्क कितना है? यह फंड आपके पैसे कौन सी जगह लगाता है? तो यह सब बातें जानने के लिए इस फंड का एक शॉर्ट फंड रिव्यू करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोग उसकी पावर को नहीं जानते। उस फंड का नाम है SBI का कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह फंड पिछले 24 साल से चल रहा है और कमाल के रिटर्न्स भी दे रहा है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि कॉन्ट्रा फंड वो होता है जो मार्केट से उल्टी डायरेक्शन में चलता है। ये उन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें मार्केट कर रही है, ये उन फंड्स में इन्वेस्ट करता है जो अभी शांत बैठे हैं, जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, चाहे उनके रिजल्ट्स और उनके प्रॉफिट्स कमाल के हैं, लेकिन वो कंपनीज आगे फ्यूचर में या कुछ साल बाद बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम IT सेक्टर की बात करते हैं। IT सेक्टर के जितने भी फंड हैं वो पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, उनका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप उनके प्रॉफिट और उनके रिजल्ट्स देखेंगे तो वो बहुत जबरदस्त है। तो वो हो गए कॉन्ट्रा फंड, जिनका आगे कुछ आने वाले टाइम में एक जबरदस्त ग्रोथ आ सकता है। अब आते हैं इसके रिटर्न्स पे कि पिछले सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने करीबन 23.5% का ग्रोथ दिया है, विच इज गुड। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 37% का रिटर्न दिया है, विच इज ऑसम। पिछले 5 सालों में इस फंड ने करीबन 23% का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक इस फंड ने करीबन 16% का रिटर्न दिया। यानी आप खुद देख सकते हैं कि इसका मेजर ग्रोथ पिछले 3 सालों से स्टार्ट हुआ है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसका सीक्रेट यह है कि 3 साल पहले यानी 2018 में इस फंड का फंड मैनेजर चेंज हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 2018 में इसका फंड मैनेजर दिनेश बालाचंद्रन जी को बना दिया गया था, और इससे पहले कोई और था। तो नए फंड मैनेजर के आने से इस फंड की स्ट्रेटजी चेंज हो गई, और उनकी स्ट्रेटजी की वजह से ही ये जबरदस्त रिटर्न चालू हो गए। लेकिन अब सवाल आता है कि उनकी ये स्ट्रेटजी है क्या? तो उनकी स्ट्रेटजी जानने के लिए हम इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखेंगे। इसका मतलब होता है कि उन्होंने कितनी बार 1 साल में अपना पोर्टफोलियो बदला, यानी जिन कंपनीज में उन्होंने पैसा लगाया हुआ था उन्होंने कितनी बार उसको बेचा और किसी और कंपनी में लगाया। तो 2018 से जब से ये न्यू फंड मैनेजर आए हैं इन्होंने कहीं बार अपना पोर्टफोलियो चेंज किया है? अगर आप डेटा देखेंगे तो 2018 में इन्होंने 44 times अपना पोर्टफोलियो चेंज किया है, 2019 में 124 बार इन्होंने अपना पोर्टफोलियो चेंज किया है, और अगस्त 2023 तक इन्होंने 230 बार अपना पोर्टफोलियो चेंज किया है। यानी इनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये अपना फटाफट पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि कोई कंपनी इनके पोर्टफोलियो में परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसका ज्यादा ग्रोथ नहीं आ सकता है, तो ये फटाफट उसमें अपना पैसा हटा के दूसरे फंड में अपना पैसा लगाते हैं, इसलिए इनका एक हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। एक जरूरी बात, पिछले रिटर्न्स का मतलब ये नहीं है कि ये फंड आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स देगा। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे कितने भी बड़ा एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आप इसके पिछले कुछ साल के रिटर्न देखेंगे तो ये एक सॉलिड रिटर्न्स दे रहा है। अगर आप इस फंड के एसेट साइज की बात करेंगे यानी AUM की,
तो वो है 16,337 करोड़। ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रा फंड है और आप इस फंड में मिनिमम सिर्फ 500 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग लमसम करना चाहते हैं यानी एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मिनिमम 5,000 रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन पे, यानी ये आपके पैसे कौन कौन से सेक्टर में और कितना कितना कहां इन्वेस्ट करता है। अब आपको अपनी स्क्रीन पे इसका एसेट एलोकेशन दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इस फंड ने इक्विटी में 87.8% इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी इसने अपना मेजर शेयर इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। डेट में इसने 7.27% किया हुआ है और अदर में 4.93%, यानी ये मेजरली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है। अगर आप इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसने पैसे फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किए हुए हैं जो है 21.75%, फिर एनर्जी सेक्टर में जो है 14.10%, फिर टेक्नोलॉजी में 7.31%, फिर मेटल में 6.63%, हेल्थ केयर में 6.58% और अदर्स में 43.63%। अब आते हैं इसके मार्केट कैप एलोकेशन पे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसने सबसे ज्यादा पैसे जॉइंट कैप वाली कंपनीज में कर रखे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू जैसे 25,000 करोड़ से ऊपर, 30,000 करोड़ से, 40,000 करोड़ से ऊपर, जो जॉइंट कंपनीज होती हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसे इसने अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं जो है 47.50%। उसके बाद इसने लार्ज कैप स्टॉक्स में जो है 20.85%, फिर मिड कैप में 20.73% और स्मॉल कैप में 8.85% और टाइनी कैप में 0.06%, जो कि बहुत कम है। ये तो बात थी इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन की। अब आते हैं कि इस फंड में रिस्क कितना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि ये फंड कितना वॉलेटाइल है, यानी ये मार्केट से कितना रिस्पॉन्ड करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे वो है 13.56 और बाकी इसी कैटेगरी का फंड का है 14.08, यानी बाकी इस कैटेगरी के फंड से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, यानी ये उनसे कम वॉलेटाइल है। अब नेक्स्ट आते हैं बीटा पे। अगर आप इस फंड का बीटा देखेंगे तो वो है 0.86 और बाकी इसी कैटेगरी का बीटा है 0.93, यानी इसका बीटा भी बेटर है बाकी इस कैटेगरी के फंड से। नेक्स्ट जो मेजर सीरीज है वो है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है कि ये बेंचमार्क के प्रॉफिट को कितने से बीट करता है, यानी बेंचमार्क के मुकाबले इसका प्रॉफिट कितना ज्यादा होता है। अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो है 13.03, वही बाकी इस कैटेगरी के फंड्स का है 4.91, यानी इस फंड का जबरदस्त अल्फा है। तो अगर आप इस फंड की टोटल रिस्क प्रोफाइल की बात करेंगे तो वो अभी के लिए तो बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है। तो अब बात करते हैं इस फंड के कंपनी पोर्टफोलियो पे, यानी इस फंड ने आपके पैसे कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अगर आप इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे इसने निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स में किए हुए हैं, यानी इसने सबसे ज्यादा पैसे इंडेक्स फंड में किए हुए हैं जो है 7%। फिर उसके बाद इसने ICICI बैंक लिमिटेड जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी या बैंक कंपनी है उसमें 3.1%, फिर इसने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्प में 2.9% इन्वेस्ट किए हुए हैं जो है टेक्नोलॉजी कंपनी, फिर उसके बाद गेल इंडिया लिमिटेड में 2.8%, फिर HDFC बैंक जो 2.7%, पंजाब नेशनल बैंक 2.4%, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2.1%, एक्सिस बैंक में 1.9%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1.8%, दोबारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1.8%। यानी आप इस लिस्ट से देख सकते हैं कि इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग्स फाइनेंशियल और बैंकिंग कंपनीज में है। तो ये था एक कंप्लीट रिव्यू SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। इसमें हमने हर चीज कवर की है, इसके रिटर्न से लेकर इसका रिस्क रेशियो, इसका कंपैरिजन बाकी फंड से एक्सेट्रा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल विच इज मनी राइट।